पार्टी। हैप्पी बर्थडे दिव्या जी, हैप्पी बर्थडे। वेट वेट, इधर ही रुको। अरे अच्छा बैकग्राउंड में है। अरे अंदर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे दिव्या जी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे। अरे गाना बंद करा दो यार, पूरा बंद करा। राजन अरे तो मेरे आगे कितने लोग वस्तु तो बोलना यार, तू आगे वाले को तो बोल। ये और पीछे, ये रोहित पीछे है ना, ये ठाकुर पीछे, और पीछे। सॉन्ग बन नहीं कर रहे हो ना? सही कर रहा हूँ। दिव्या जी सेंटर लुक दिए ना कैमरे में, चिल्ला क्यों रहे पहले? थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आई थिंक। ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे मैंने एक्चुअली एक इनिशिएटिव लिया है। मैं बोला कि नहीं चलो सबको बुलाते हैं, यू नो बहुत भारी पड़ता है यार टू कोऑर्डिनेट विद एवरीबडी, गेस्ट लिस्ट ये वो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सुबह से वही लग रहे हैं बस। दैट इज ऑल्सो नॉट माई डिपार्टमेंट, माई टीम डज द एंटायर जॉब, आई जस्ट हैव टू कैरी इट एंड आई थिंक दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। आई रियली लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग। बर्थडे रिचुअल्स ये है कि मैं अपने मॉम, लाइक मॉम एंड भाई के बिना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती। वेर एवर आई एम मैं उनके साथ पहले केक कट करूँगी एंड देन आई डू व्हाट एवर आई वांट टू डू। बट हर बार हम लोग ट्रैवल करते थे, इस बार क्योंकि 30th है वी थॉट विल जस्ट स्टे हियर सो दैट एज मेनी एज पीपल कैन जॉइन इट। इसीलिए 30th बर्थडे है इसीलिए, एंड ऑब्वियसली लाइक यू नो देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने मेरा साथ दिया है, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। I think it was a good thank you gesture from my side. What was the one best wish from? हाँ 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 iPhone लेके दिया मैंने अपने आप को। iPhone 14 लिया है ताकि अच्छा अच्छा content बना सकूँ और अच्छा अच्छा post कर सकूँ। Yes sir. हाल ही में गाना भी आया हुआ है, काफी trend चल रही है जी। इस तरह के wishes आपको आज दिन भर में मिल रहे कुछ interesting wishes? I am so glad. मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मेरे birthday के आसपास कोई काम आए या उस पास release हो,
because it's always better for me to end the year and start the new year with a new song. Sehri Babu abhi bas end hua tha, same time mein pichle saal release hua tha. It's been a year and Resham Ka Rumaal mere 30th birthday pe, like, it's like a gift from life. So I think it's doing well, bahut acha kar raha hai. 10 million bhi ho gaye do din mein, so I'm very happy. और दो ही और दो गाने सारे गामा के पास हैं. कुछ का फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विद पार्थ समतान एंड मोहसिन खान. दैट इज़ ऑन द लाइन. नेक्स्ट ईयर लुक्स गुड. काफ़ी वेब सीरीज जैसे मैं चाहती थी वैसे. तो या नॉट एट ऑल. आई एम सो सॉरी, नॉट एट ऑल, बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट एंड आप लोग को खुशी हो. ये तो क्लू ही हो गया. नहीं, दिस टाइम इट्स नॉट नेगेटिव फॉर श्योर, दिस टाइम इट्स अ पॉजिटिव वन. सो दिव्या, दिस ईयर इज ऑन एंड, हाउ वाज दिस होल एंटायर ईयर फॉर यू? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस ईयर? फॉर मी दिस ईयर वाज अ वेरी बिग पॉज व्हिच वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो एक बार होता है ना 30th में यू फील एंड आई लाइक ओ माई गॉड इट्स बिन 30 ईयर्स एंड देन यू टेक द एंटायर गैप. आई थिंक मेरा पूरा साल वही था, रियलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड एंड बैक टू बैक 2017 से लेके अब तक काफ़ी ऐसा काम कर लिया था वेर आई हैड टू बी लाइक कि नहीं अब थोड़ा सा वेट, लेट्स रीसेट आवर सेल्स एंड देन स्टार्ट. वेल, एज यू सेड, यू नो, यू आर नॉट अ पार्टी पर्सन एंड यू नो डिसाइड किया कि हाँ पार्टी करना. नो नो, आई एम अ पार्टी पर्सन, लेकिन दूसरे की पार्टी अच्छी लगती है. खुद की पार्टी ऑर्गेनाइज करने में जितनी बैंड बजी आज, आई एम श्योर मेरी पूरी टीम सोई नहीं है. हाँ, ऑनेस्टली सभी का मैंने इनवाइट्स तो सबको भेजे हैं लिटरली, बट आई विश मोर मैक्सिमम पीपल टर्न अप एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी. हाँ, हेल्थ ऑफकोर्स अब आई वोंट टेक इट सो लाइटली लाइक हाउ आई हैड बीन टेकिंग, बट या अपार्ट फ्रॉम हेल्थ आई थिंक मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक बैलेंस लाइफ का अच्छा चलता रहे, वे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज बैलेंस्ड वेल. इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट्स डिफरेंट विद डिफरेंट रीजन्स. इफ यू आस्क माई हार्ट द एज मैटर्स, आई विल से नो. इफ यू आस्क माई ब्रेन द एज मैटर्स, इट विल से यस. I'm 100% sure not many people are following because I am not personally liking it. It's thandu thoda sa. Well, any of the contestants, you know? I really like Abdu. I've been seeing his clips. Yeah, I really like him. And Divya, party mein enter honne ke baad, do you think life ke prati kuch perceptions change hue aapke? Of course, it's not just being 30. I think with every passing year, the perception is changing. Every passing year, tumhe lagta hai ki tum thode aur zyada akalmand ho gaye ho. I think that feeling is coming up very nicely. So yes. Well, aage ke kuch plans hai aage, like after 30, like every person. No, I don't think so. There are any such plans. I just want to work nicely and have fun. I think we are good. Hi, Nidhi. Am I done? Yeah, done. Thank you, guys.